ली चलते हैं आपको सहासरा की ओर, जहां जेल अधीक्षक के निजी आवास और सरकारी आवास पर छापेमारी के बाद जेल अधीक्षक का बयान आया सामने। कहा विजिलेंस टीम दे रही है गलत जानकारी, साथ ही साजिश कर फंसाने के लगाए हैं आरोप। भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी और उसकी स्पेशल विजिलेंस यूनिट की तरफ से ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। निगरानी ने स्पेशल विजिलेंस से यूनिट ने आज सहरसा के जेल अधीक्षक सुरेश चौधरी के ठिकानों पर छापेमारी की। तकरीबन 5 से 6 घंटे तक चली छापेमारी में कई सामान बरामद किए हैं। वहीं उनके खिलाफ मामला दर्ज करते हुए निगरानी की स्पेशल यूनिट ने छापेमारी की है। जेल अधीक्षक सुरेश चौधरी ने सहरसा और मुजफ्फरपुर स्थित आवास पर छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक उनके ऊपर आय से ज्यादा 1,00,000 से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया है, जिसके चलते जेल अधीक्षक सुरेश चौधरी ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि विजिलेंस टीम को गलत जानकारी दी जा रही है, उनके पास से बरामद की गई राशि सरकारी पैसे हैं। उन्होंने बताया कि इस महीने में वे रिटायर होने वाले हैं और साजिश के तहत मुझे फंसाया जा रहा है। हो रहे हैं तो लोगों को था कि इनको सेवानिवृत्त नहीं होने देना है, बार बार बोलता था लोग, और इसी के तहत साजिश के तहत मुझे पता कब सेवानिवृत्ति है। 31 मई को, इसी महीना में सेवानिवृत्ति है। हम इसी महीना में सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जब मेरा सब कुछ अप टू डेट है, हर चीज़ सब ठीक ठाक है, तो जान के एक तो निगरानी में आवेदन दे करके और जान के हमको फंसाने का साजिश रचा गया, ताकि उलझ जाए, पेंशन रुक जाए, सेवानिवृत्त नहीं हो। तो एक साथ सर इतने जगहों पे छापामारी, इतने जगह नहीं, सिर्फ मेरे घर पर और यहाँ घर पर भी कुछ नहीं बरामद। घर पर जो कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए बरामद, एक रुपया बरामद नहीं है, करोड़ों एक रुपया बरामद नहीं है, यहाँ भी नहीं है बरामद। 1,60,000 रुपया की बात आ रही है, गलत है, 100% गलत है। ये जो 10,00,000 रुपये थे ये किस मद के थे? नहीं, 10,00,000 तकरीबन 10,00,000 समथिंग, नहीं तकरीबन नहीं, 8,00,000 समथिंग वह कैश का पैसा है, जो 5,50,000 रुपया लीची बगान का पैसा जो जमा हुआ था वो पैसा है, और माइनस पीए जितना जो हुआ था निकाला था 31 मार्च को, वो सब पैसा रखा हुआ था कैसे। और जो कागजात आपको तो जब्ती सूची मिला होगा? हाँ, जब्ती सूची मिला। कहाँ जब्ती सूची? जब्ती सूची है, जब्ती सूची है, दिखा दीजिए सर। नहीं, जब्ती सूची दिखाइए सर, ये ना ना जब्ती सूची जो है ना, हमको कहा कि पढ़ लीजिएगा, इसी में हम आपका जितना पासबुक सब है ना, पासबुक क्या कार्रवाई हुई अब तक और क्या बरामदगी हुई कैसे? मंडल कार्यालय और सहरसा के जिला अधीक्षक श्री सुरेश चौधरी के यहाँ शिकायत के आधार पर एक कार्रवाई हुई थी, जिसमें आय से अधिक संपत्ति का मामला विशेष निगरानी पटना ने दर्ज किया था। उसके आधार पर एक जांच अभियान चलाया गया था, जो उनके घर और सरकारी आवास पर चला, उसमें जो सारी सामग्री मिली हम लोग। क्या बरामद हुआ है? क्या बरामदगी हुई है? कैश, कितने कैश? लगभग 10,00,000 का कैश है। और फिर लगभग सर गिनती जब हो गई तो फिर लगभग का क्या मामला? डाटा मुझे याद नहीं है। जमीन के कागजात लगभग 1 दर्जन कागजात के आसपास। कितने अमाउंट का? अमाउंट कहाँ से पता चलेगा? जमीन का एकड़ तो होगा, कितने एकड़ की जमीन? विभाग से हम लोग पूछेंगे कि कितने का। जेवरात भी है सर, जेवरात भी है। जेवरात तो जब ज्यादा नहीं हुआ, थोड़ा वो जो जेवरात बरामद हुआ है, और अधिक जानकारी आपको दे दिया जाएगा। जो नगद बरामदगी भी है सर, क्या लग रहा है कि क्या ये पैसा कहाँ का? घर से पैसा कहाँ? घर से था क्या? कुछ घर से, कुछ कार्यालय से, कुछ घर से, कुछ कार्यालय। घर से नहीं है। चले ठीक।